राज्यपाल सीएम बनने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, ये और ये खुला रहता है वैसे कंप्लेन की वजह से रास्ते के लिए सारा प्रबंध किया गया है। अच्छा ये काउंटर है यहाँ पे जो एक प्लेट में पूरी सब्जी लिया तो हम रोटी कितना मिलेगा अगर रोटी के साथ खाएंगे तो चार रोटी रहेगा तो थोड़ा गड़बड़ गया तो हाँ। क्लास खाली रहता है। अच्छा खाते खाते पढ़ते जैसे क्लास खाली हुआ है हाँ यहीं पर बैठ कर और ये वाला ज्यादा सिस्टम बढ़िया है बहुत मतलब 50वां ब्लॉक लगभग होगा मेरा बीएचयू के हॉल एलवीएस लाल बहादुर शास्त्री में चले जाएंगे तो आपका करने का मन नहीं करवा दिया गया वो दो साल में बंद है आप ही वहां से ग्लास देते हैं जो आप वहां से ग्लास लेकर के लोगों मतलब पानी पीते हैं तो आपका जूठा बर्तन साफ करते हैं और आपको पानी पिलाते हैं आप लोगों का अलग अकाउंट बना हुआ है कि सब बीएचयू में मर्ज है ना बहुत बढ़िया है थोड़ा सा समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम आए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और यहाँ पे मैत्री जलपान है। मैत्री जलपान का मैं आपको लोकेशन बता दूँ तो मैत्री जलपान वहाँ UMC यूनिवर्सिटी माउंटेनरिंग सेंटर है उसका ब्लॉग हम लोगों ने बना दिया है और बगल में आर्ट्स फैकल्टी मतलब आर्ट्स फैकल्टी चौराहे पे मैत्री जलपान है। लोग बोलते हैं BHU का रेस्टोरेंट मतलब BHU का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ये जिसमें बहुत एकदम किफ़ायती रेट में आपको खाना खाने को मिलता है। वहाँ पे जूस का दुकान है आप देख सकते हैं और ये चौराहा है आर्ट्स फैकल्टी का ये रास्ता आपको VT की तरफ लेके जाएगा जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे ऑटो मिल जाती है आपको और हम आपको एक पूरा दृश्य दिखाएंगे कि ये मैत्री जलपान का क्या लोकेशन है मतलब कैसा दिखता है हमारा ये BHU का एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए एक BHU का पुराना रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ और हमने अंदर से परमिशन लिया परमिशन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सब कुछ बंद है COVID-19 की वजह से लेकिन फिर भी रोडे पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों का तनख्वाह रुका हुआ है लेकिन भीड़ लगी हुई है छात्र की पढ़ाई बाधित है लेकिन फिर भी VT पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। कोई बात नहीं एक गेट ये भी है जब COVID-19 में सब कुछ खोल दिया जाता है तो उस गेट से लोग आते हैं और हमने उस गेट को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया हूँ। ये है मैत्री जलपान कुछ ऐसा दिखता है इसके बगल का मैं आपको दिखा दूँ अंदर बैठ करके वहाँ पे लोग खाते हैं। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है मैंने उसको अभी एक भित्ता का पेड़ है मेरे पास मैंने वो लगाया लेकिन अभी तक इतना बड़ा कब होगा मुझे नहीं लगता मेरे लाइफ में हो पाएगा। तो इसको लालजीत सिंह ने बनवाया काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा लालजीत सिंह द्वारा जब लालजीत सिंह यहाँ के VC थे तो बहुत ढेर सारे निर्माण किए गए और उसमें से एक निर्माण ये भी है। दो हज़ार तेरह में ये बना था बहुत पुराना है ये तो 500 साल पुराना है लेकिन मतलब वो किए थे ये इनॉग्रेट लिखा हुआ है इनॉग्रेटेड तो ये असलियत में ये कब का बना हुआ है 72 से पहले का ये 72 में यहाँ पे लोग ड्यूटी करते थे ना संपन्न हुआ था ये चीज बड़ी ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है 2013 और ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है 2017 तो इस पे संबत है अष्टमी संबत 2017 हाँ तदनुसार उस दिन 25 दिसंबर बना तो 2013 को इसका बेटर जो किया गया रेनोवेशन वो हुआ लेकिन अगर 2013 से ये पहले का बना हुआ है तो इस पे लिखना चाहिए ना मान्यता और भी बढ़ेगी और भी ज़्यादा इसका कहीं लिखा तो नहीं है इसका यहाँ पर लोग हमारे इसका 72 से भी नौकरी किए हैं 72 से नौकरी कर रहे हैं लेकिन ये 2013 का बना हुआ नए नए लोग आएंगे नहीं नहीं नए लोग नहीं आए मतलब कि इसका रिपेयरिंग हुआ है में मतलब कि आपके मनोज सिन्हा से लेकर के मुकुल गैस वाले इस समय राज्यपाल भी क्या उपराज्यपाल CM बनने वाले हैं जम्मू कश्मीर के वो लोग यहाँ से पढ़े यहीं से पढ़े हैं BHU से पढ़ करके यहाँ नाश्ता पानी किए दौरान की बात उस जमाने का है। अच्छा महेंद्रनाथ पढ़े अपने सांसद भी यहीं से पढ़े हुए हैं पढ़े हैं अच्छा BHU के स्टूडेंट रहे हैं तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 1970 से के पहले का है ये
70-72 तो नए नए लोग आके कंफ्यूज ना हो, ये 2013 का ये नया, लेकिन देखने में इतना एकदम वेल प्लान्ड लगता है, अच्छे से यही 2013 में इसका इनॉग्रेट हुआ, ये 2013 में। ये सीढ़ियां हैं, आप अंदर जाएंगे। अच्छा ये मेन्यू है। अच्छा मेन्यू में जो भी जितने भी चीजें हैं आप लोग उपलब्ध कराते हैं, दे देते हैं? जब स्टाफ यहाँ स्टाफ नहीं रहेगा सबसे बड़ी यहाँ की समस्या हो गई स्टाफों। स्टाफ की क्या समस्या मतलब? अब कहाँ 25-30। अच्छा यहाँ से 10 आदमी हो गए हैं तो क्या होगा? लड़के यहाँ से घुसते हैं और यहाँ पे टोकन लेते हैं। टोकन लेने के लिए ये और ये खुला रहता है, ज़्यादातर एक ही फंक्शनल रहता है, हमेशा एक ही ज़्यादा फंक्शनल रहता है। सबसे महंगा खाना यहाँ कितने रुपए का है? 30 रुपए का दाल चावल है। 30 रुपए का 30 रुपया थाली। और सबसे सस्ता? बस वही भोजन में बस वही है आपका। नाश्ते में आप लोग सब कुछ मतलब ब्रेड पकौड़ा देते हैं, समोसा देते हैं, चाय देते हैं, कॉफ़ी भी मिलता है क्या सर? कॉफ़ी भी मिलता है। कॉफ़ी भी मिलता है। अच्छा यहाँ पे ये सूचना पट किस लिए काम आता है? इतने लोग का कुछ हो जाता है तो अपना यहाँ पर चपड़ा देते हैं तो उनका सामान पाया तो आदमी दे दे। अच्छा जिसका सामान मैत्री जलपान में खो जाता है वो यहाँ पे चिपका देता है तो लोग पढ़ करके वापस कर देते हैं। बहुत अच्छी। अच्छा ये जो पेड़ है, ये पेड़ ये कब का है मतलब? ये पेड़ पता है मैं ये पेड़ लगाया हूँ, एक बित्ते का है। 1980 के पहले का हम लोग, मैं ये पेड़ लगाया हूँ, एक बित्ते का है, तो इतना बड़ा कितने दिन में होगा? ऐसा नहीं होता, 50 साल से नीचे नहीं होगा। बहुत अच्छा। ये डाइनिंग हॉल अलग होता है? ये बैठ के नाश्ता करने के लिए लोगों के लिए? हाँ नाश्ता करते हैं उधर, बाथरूम में पढ़ते भी नाश्ता भी करते हैं यहाँ पर, हॉल में हॉल भी है। अच्छा ये बाथरूम भी है यहाँ पे? एक सेकंड, वाईफाई यहाँ पे है क्या पूरा? हाँ वाईफाई है पूरा, पूरा वाईफाई। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये बाथरूम है, काफी साफ सुथरा बाथरूम है, आप देख सकते हैं। और हम आपको डाइनिंग हॉल और रिफ्रेशमेंट हॉल बहुत मतलब लड़के रिफ्रेश हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश नहीं होते हैं? नाश्ते का हाल है इधर, नाश्ते को रिफ्रेश करें तभी तो रिफ्रेश होंगे। अरे आप लोग रिफ्रेश कराएंगे तभी ना छात्र रिफ्रेश होगा। अच्छा एक साथ काफ़ी लोग, 4 × 8 = 12, एक पे 6 लोग। अच्छा 6 लोग का है, एक मोड़ दिया गया है, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और नाश्ते के लिए वहाँ से टोकन लेना पड़ता है और यहाँ पे जमा करना होता है, और खाना खाने के लिए उधर उधर में जाना होता है। अच्छा आप लोग का परमानेंट है जॉब की? सब परमानेंट है, एकदम बड़े बाबू जैसे लोग हैं आप। ये यहाँ का सर्विंग कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं, यहाँ से लोग सर्व करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं, आप अगर कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो ये लाइन से यहाँ पे लगा होता है, उसमें सामान भर दिया जाता है, गर्म करके इसमें गर्म रहता है। अच्छा नाश्ते का और यहाँ पे बैठने का बगल में सुविधा है, कॉफ़ी भी आप लोग, अच्छा आपने बोला कॉफ़ी प्रोवाइड कराते हैं तो कॉफ़ी भी प्रोवाइड होती है। अंदर फ्रिज व्रिज किसके लिए रखे हैं वैसे? जैसे कि कुछ ऐसे सामान हुआ ठंडा कोल्ड ड्रिंक, रियल जूस सब होता है। अच्छा रियल जूस, कोल्ड ड्रिंक तो बेचना अलाउड नहीं है कैंपस में मतलब? अच्छा इसका क्या फैक्ट है कि कोल्ड ड्रिंक कैंपस में नहीं बिकता? पहले एक बार कुछ कंप्लेन आ गया था उसी से बंद हो गया। कंप्लेन की वजह से जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हैं या जो गवर्नमेंट के अपने संस्थान का कैंटीन कुछ भी है वहाँ पे अब कोल्ड ड्रिंक सप्लाई नहीं होता, तो इसमें क्या कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बता करके बंद कर दिया गया? मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं होता कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए। सुने आप लोग, मतलब सुने क्या है, खाए हैं गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनाते हैं लंबा वाला। आप तो बहुत बार खाना दिए लगता है। हाँ हाँ इसको बंद कर दीजिए, ये है हमारा
रिप्रेस मतलब नाश्ता कक्ष देखने के बाद हम लोग डाइनिंग हॉल में आए हैं। कोई बात नहीं है, ये लाइट, ये छोटा सा रास्ता पाथ फॉलो करते हुए जब हम अंदर आते हैं तो लाइन से हम उधर आपको दिखाया, उधर नाश्ते के लिए सारा प्रबंध किया गया है, इधर सिर्फ खाने के लिए प्रबंध किया गया है। मतलब आप खाद्य सामग्री मशीन कॉफ़ी, मतलब मशीन से कॉफ़ी ही मिलता है, वहाँ पे कॉफ़ी लेना चाहें तो नहीं मिलेगा। वो तो हमने सुविधा के लिए रखा गया है, लेकिन जो सुविधा ये सब व्यवस्था है अच्छा, ये काउंटर है, यहाँ पे जो पूड़ी सब्जी रोटी भी देते हैं आप लोग, भोजन यहीं से होता है। अच्छा ये कह रहा हूँ, एक प्लेट में पूड़ी सब्जी लिया तो कितनी पूड़ी होगी एक प्लेट में? पूड़ी सब्जी अचार, छः पूड़ी अचार भी होता है। और हम रोटी कितना मिलेगा अगर रोटी के साथ चावल खाएंगे तो? चार रोटी रहेगा, कटोरी सब्जी, कटोरी चावल, कटोरी, मतलब अगर किसी छात्र को थोड़ा गड़बड़ गया तो अलग से सामान लेना अलग। मतलब ये चार रोटी दाल चावल मतलब परिपूर्ण डाइट है एक छात्र के लिए? एक थाली में इतना है पूर्ण भोजन, मतलब हाँ पेट तो भर ही जाता है। यहाँ भी काफ़ी लोग एक साथ बैठ के 50 लोग बैठ सकते हैं आराम से यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वाईफाई की क्या ज़रूरत पड़ गई? वाईफाई लगवाया गया जैसे लड़के आते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने यहीं पे बैठ के पढ़ भी देते हैं, क्लास में खाली रहता है। अच्छा खाते खाते पढ़ते भी हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पे, मतलब मैत्री में आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कुछ लिख पढ़ सकते हैं, 20 मिनट आधा घंटा जैसे क्लास खाली हुआ है हाँ यहीं पर बैठ के अपना चाय भी पीते हैं। अच्छा अच्छा क्लास के बीच में जो गैप मिलता है आप धूप में कहीं और रहें, इससे बढ़िया अच्छा यहीं पर रहें। ये पानी पीने का, पीने का पानी और ये वाला ज़्यादा सिस्टम बढ़िया है, सफाई बहुत अच्छा मेंटेन है यहाँ की। कौन करता है सफाई यहाँ का? आप करते हैं? आप लोग करते हैं? बहुत मतलब मैं आप लोगों के सामने बता दूं, मतलब BHU में लगभग मैंने 45 ये 50वां ब्लॉक लगभग होगा मेरा। BHU के हॉस्टल्स के बहुत बुरे हाल हैं, मतलब इतना गंदा बुरा हाल। आप LVS लाल बहादुर शास्त्री में चले जाएंगे तो आपका करने का मन नहीं करेगा, आप निकल करके बाहर चले आएंगे, ठीक है। लेकिन सफाई देख करके थोड़ा कोविड में सफाई देख करके अच्छा लगता है, इतनी सफाई रखी जाती है। यहाँ पीने का पानी है, इसको रिपेयर नहीं करवा दिया गया? वो दो साल में बंद है वाटर कूलर तो बनाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे आप ही यहाँ से ग्लास देते हैं क्या? आप ही वहाँ से ग्लास देते हैं? एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए लोगों को, मास्क उतार दीजिए एक बार। ये है जो आप वहाँ से ग्लास लेकर के लोगों मतलब पानी पीते हैं तो आपका जूठा साफ करने वाला बर्तन धोता है, हाँ यही वो आदमी है जो आपका जूठा बर्तन साफ करते हैं और आपको पानी पिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को समय दिया तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब एक कूलर की भी व्यवस्था लगवा दी है। आप लोग को पैसा अच्छा पास हो जाता होगा? आप लोगों का अलग अकाउंट बना हुआ है कि सब BHU में मर्ज है? सब BHU में मर्ज है। काफ़ी आलीशान है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा समय दिए इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये रहा पूरा हमारा पूरा मैत्री जलपान गृह। काफ़ी एल्यूमिनाई उनका कहना था कि मनोज सिन्हा जो कि राज्यपाल उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो ऐसे लोग यहाँ के एल्यूमिनाई रहे हैं तो मनोज तिवारी भी रहे हैं। ऐसे लोगों को आप जानिए, नहीं जानते हैं तो एक बार कोशिश करिए। मैत्री जलपान से निकलते ही आपको कुछ ऐसा दृश्य मिलेगा, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये रहा पूरा मैत्री जलपान गृह, दूर से एक बार आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपका जो भी रिक्वेस्ट होगा आप बताइएगा। हमने इसको एज अ क्लीननेस के लिए वो किया कि कितना क्लीन रखा जाता है BHU में, तो ये लगभग इतना क्लीन रखा जाता है BHU में। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट लाइफ सिर्फ छात्रों के लिए है। सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे शेयर की जाएगी। मिलिएगा एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को।